हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 9 का फिजिक्स का है। इसे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये जो चैप्टर 2 को स्टार्ट किए थे, यानी हम चैप्टर 2 के लेक्चर 1 को पढ़ा गया था, उसमें हम लोग न्यूटन के प्रथम नियम के स्पष्टीकरण के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग न्यूटन के सेकेंड जो नियम होता है उसके स्पष्टीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए न्यूटन के दूसरे नियम का स्पष्टीकरण किस प्रकार होगा। न्यूटन का सेकंड लॉ यह कहा गया कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर वायु बल अगर लगा रहा है तो वायु बल लगाने के कंडीशन में, यानी वस्तु पर क्या वायु बल लगाया जा रहा है, वायु बल लगाएंगे उस कंडीशन में वस्तु में त्वरण उत्पन्न होगा, ठीक। और ये जो वस्तु है उसका अगर द्रव्यमान हो उस कंडीशन में, न्यूटन महोदय ने महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकाले। क्या कहा उन्होंने कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो ये वायु बल है, इस वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। यानी पहला जो निष्कर्ष है निकला कि वस्तु जो है उस पर वायु बल लगा रहा है तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह जो त्वरण है वस्तु पर जो बल लगा रहा है उसके क्या है, समानुपाती है, होता है पहला यह। दूसरा कि वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान यानी यम के समानुपाती होता है, यम समानुपाती यम, इसको मान लें दो। समीकरण एक और दो को लिया जाए तो समीकरण एक व दो से ये आपका यम समानुपाती संयुक्त कर रहा है यम इंटू ए, तो जानते हो समानुपाती चिन्ह अर्थात एक नेता रहता है बराबर के यम ए, जहाँ आपका के क्या है नियतांक है, के क्या है नियतांक, और इसका प्रायोगिक मान जो होता है वो क्या होता है वन होता है। इस कंडीशन में यम बराबर क्या हो जाएगा यम ए, यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। क्योंकि न्यूटन का सेकेंड लॉ कहा गया कि वस्तु पर लगाया गया वायु बल या बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, तो यही आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ। अब देखिए इसको ये जो आपका ए समानुपाती ले रहा है, ए यानी त्वरण और बल के कंडीशन में जो इसका ग्राफ बनता है वो आपका स्टेट होता है, यानी इसके कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा यानी बल और त्वरण की स्थिति में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, स्टेट बनता है। और बल और द्रव्यमान, बल और द्रव्यमान की स्थिति में इसका जो ग्राफ बनता है वो प्रवलयाकार बनता है, ठीक है। इसको न्यूटन को डिफाइन किया जा सकता है, यहां से कैसे डिफाइन करेंगे, पहले इसके मात्रा को जाना जाए तब जो है डिफाइन किया जाएगा। तो देखिए बल का मात्रक, बल का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है तो भी जानते हैं यह बराबर होता है हम ए, तो यह इसका डायमेंशन आप यूनिट लिखिए, यूनिट आप यह बराबर यू एन आई टी यूनिट आप एम ए, द्रव्यमान को किस में मापते हैं किलोग्राम में और त्वरण को मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर।
के आपका इसका मात्रक हुआ केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना ए लंबा नाप लिखकर इसको हम किसमें माप सकते हैं, ओ आर न्यूटन में। ठीक, तो इसी न्यूटन का परिभाषा लेना है। न्यूटन का परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, देखिएगा, चूंकि यम बराबर क्या है, यम ए यदि यम बराबर वन मान लिया जाए और ए बराबर वन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मान लिया जाए, तब यम बराबर जो होगा एक न्यूटन हो जाएगा। यानी कोई वस्तु हो और एकांक हो, क्या हो, एकांक, और उस पर बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उस वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। उस कंडीशन में उस वस्तु पर जो बल लगेगा वह एक न्यूटन होगा, क्या होगा, एक न्यूटन। बल के जो है अन्य मात्रक होते हैं, वो आपका यह जो मात्रक लिखा है यंकेस पद्धति में, अगर पूछ दिया जाए कि सीजीएस पद्धति में बल का क्या मात्रक होता है, तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन, क्या होता है, डाइन। इस कंडीशन में ये आपका जो ए न्यूटन जो होता है 10^5 डाइन के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संवेग, संवेग किसे कहते हैं, देखिएगा, संवेग को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वस्तु का संवेग उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहा जाता है। अर्थात किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, क्या कहलाता है, संवेग। यानी इसको लिखते हैं संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, या संवेग को आप पी से रिप्लेस करते हैं, पी बराबर द्रव्यमान को एम, भी से वेग को भी से, यानी पी बराबर क्या होगा, एम इंटू भी। ये जो संवेग होता है, इस संवेग का मात्रक हम निकालेंगे, तो संवेग का मात्रक तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि जानते हैं पी बराबर एम इंटू भी, ठीक है, और इसका हम मात्रक लिखा जाए, जिसको तोड़ ही लें, या मात्रक लिख दीजिए एक बार, तो यूनिट आप पी बराबर यूनिट आप भी एम इंटू भी। यम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में, और ये आपका वेग को किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। यानी जो संवेग होगा उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के बारे में अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।